नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनीशा। आइए नजर डालेंगे सबकी फटाफट 20 खबरों पर। हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध विराम के दौरान लगातार अदला बदली का दौर जारी। हमास ने 6 और बंधकों को किया रिहा। चीनी इन्फ्लुएंजा का असर रांची और खजुराहो। आने वाले विदेशी पर्यटकों का होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। कुल्लू जिला प्रशासन ने जिला के 1800 आपदा प्रभावितों का मुआवजा रोका। प्रदेश सरकार को मुआवजा राशि को लेकर सदर लिखकर मांगी राय। एग्जिट पोल के बाद सीएम बघेल का दावा, सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी, कहा हमें अपने काम पर विश्वास। 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे, 3 दिसंबर को आएंगी विधानसभा चुनाव के नतीजे। दुबई में बोले पीएम, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में ग्लोबल साउथ के हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। उज्जैन में 2 भाइयों ने सिर्फ 300 रुपए के किराए के विवाद में इंदौर के एक टैक्सी चालक की हत्या कर दी। कत्ल के बाद कार की डिग्गी में लाश को लेकर घूमते रहे। आगरा से बेहद शर्मनाक मामला आया सामने। युवक ने मां बेटी को बेरहमी से पीटा, दोनों चीखती रहीं, सुनने वाला कोई नहीं। लखनऊ में तालकटोरा के रजाजीपुरम इलाके में तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर मकान में जा घुसा। हादसे में मकान का गेट और दीवार क्षतिग्रस्त, ट्रक चालक फरार। बारिश और खराब मौसम के कारण कई ट्रेनें 18 घंटे तक लेट, 12 उड़ानें निरस्त। 2160 से ज्यादा यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। एयरपोर्ट पर हंगामा। आगरा में अग्निवीर भर्ती, 4 दिसंबर से एकलव्य स्टेडियम में शुरू। 12 जिलों में अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया होगी। 4 दिसंबर से भारत में शुरू होगा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। डाटा प्राइवेसी पर एक साथ आएंगे दुनिया भर के देश। हिमाचल प्रदेश में जियोलॉजिकल पार्क में चलेगी मोनो रेल, पर्यटकों के लिए खास होंगी सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी से शीतलहर बढ़ी। उच्च पर्वतीय स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना। चिड़ियाघर में स्पेशल इंतजाम, सर्दी बढ़ते ही बदला वन्य जीवों का मेन्यू। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। इस दौरे पर टीम इंडिया 3 T20, 3 वनडे और 3 टेस्ट मैच खेलेगी। शाहरुख खान ने डंकी को बताया साफ सुथरा मनोरंजन। अक्षय कुमार ने शुरू की आगामी फिल्म की शूटिंग, करण जौहर संग सहयोग को लेकर सुर्खियों में अभिनेता। सैम मानेकशो के रूप में फैंस को भाई विक्की, कुछ लोगों को आई फिल्म उड़ी की याद। विवेक ने पिता सुरेश ओबेरॉय को कमबैक के लिए दी शुभकामनाएं, कहा इस दिसंबर एनिमल जोर से दहाड़े। मेरे साथ फटाफट 20 खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।